नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो एशिया कप 2023 की शुरुआत होने जा रही है अब से कुछ ही देर में, जहां एशिया कप 2023 का पहला मैच खेला जाएगा 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 3 बजे से, यानी कि 3 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस पहले मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस पहले मैच के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है। इसके अलावा पहले मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं, जबकि इस पहले मैच में मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। इसके अलावा इस पहले मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एशिया कप 2023 के फर्स्ट मैच के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट ODI मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो जो लास्ट 5 ODI मैचेस यहां पर हुए हैं उसमें से 3 मैचेस फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 2 मैचेस सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 266 रन का है और एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 225 रन का रहा है। तो आप इन लास्ट 5 ODI मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। इसी वजह से दोनों टीमों ने लगभग इक्वल नंबर ऑफ मैचेस जीते हुए हैं, क्योंकि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतरीन मानी जाती है। इस पिच पर स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में बल्लेबाजी करना काफी आसान साबित होता है, क्योंकि पहली पारी में गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरीके से आती है, जिस वजह से बल्लेबाज काफी इंजॉय करते हैं इस पिच पर बल्लेबाजी करना। और फर्स्ट इनिंग्स में आपको यूजुअली इस मैदान पर हाई स्कोर्स देखने को मिलते हैं। इस मैच में भी मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी तो उनकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को देखते हुए आप पहली पारी में 300 से 320 के बीच का स्कोर या फिर 320 के ऊपर का स्कोर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सामने नेपाल के पास जो बॉलिंग लाइनअप है वो उतनी ज्यादा कैपेबल नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर नेपाल की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी तो वो आपको मैक्सिमम 225 से 250 के बीच का ही स्कोर बनाते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि सामने पाकिस्तान के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर जैसे जैसे मैच होता जाता है तो ये पिच थोड़ा सा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से सेकेंड इनिंग्स में इस पिच से स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिलती है, उनकी गेंद काफी ग्रिप और टर्न लेती है और उनके खिलाफ बल्लेबाजी करना दूसरी पारी में मुश्किल हो जाता है। स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और राइट आर्म लेग स्पिनर्स ने इस पिच पर काफी ज्यादा विकेट्स चटकाए हैं दूसरी पारी में। और इस मैच में भी मुझे लगता है कि जो भी टीम सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजी करेगी उस टीम के स्पिनर्स आपको काफी इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। स्पेशली पाकिस्तानी स्पिनर्स आपको इस मैच में भी काफी विकेट्स चटकाते हुए नजर आएंगे, और यही कारण है कि इस मैदान पर जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करता है, क्योंकि एक बार अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम इस मैदान पर 270 या 280 के आसपास का स्कोर बना लेती है तो फिर उस स्कोर को चेस करना मुश्किल साबित होता है। और ऐसे में मुझे लगता है कि इस मैच में भी जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा और फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को इस मैच में भी एडवांटेज मिलेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए लास्ट 5 ODI मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो पाकिस्तान का है वेस्टइंडीज के खिलाफ 306 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल वेस्टइंडीज का है पाकिस्तान के खिलाफ 155 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है वेस्टइंडीज के खिलाफ 306 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है वेस्टइंडीज के खिलाफ 269 रन 9 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एशिया कप 2023 के पहले मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें
तो आपको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आएगी। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आ सकते हैं फकर जमान के साथ इमामुल हक, नंबर 3 पर आएंगे कैप्टन बाबर आजम, नंबर 4 पर विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 पर आगा सलमान, नंबर 6 पर इफ्तिकार अहमद, नंबर 7 पर वाइस कैप्टन शादाब खान, नंबर 8 पर मोहम्मद नवाज या फिर मोहम्मद वसीम जूनियर में से कोई एक खेलेगा, नंबर 9 पर शहीन शाह अफरीदी, नंबर 10 पर नसीम शाह और नंबर 11 पर हारिस राउफ आ सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेपाल की प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको नेपाल की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे कुशल भुरतल के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज आसिफ शेख, नंबर 3 पर आ सकते हैं भीम शार्की, नंबर 4 पर कैप्टन रोहित पौडेल, नंबर 5 पर कुशल मल्ला, नंबर 6 पर दीपेंद्र सिंह एरी, नंबर 7 पर गुलशन झा, नंबर 8 पर सोमपाल कामी, नंबर 9 पर करण केसी, नंबर 10 पर संदीप लामिछाने और नंबर 11 पर ललित राजवंशी आ सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पाकिस्तान और नेपाल के बीच अभी तक किसी भी फॉर्मेट में कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है। पहली बार इन दोनों टीमों के बीच कोई इंटरनेशनल मैच होने वाला है, इसी वजह से हमारे पास हेड टू हेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म का कंपैरिजन कर लें तो नेपाल की टीम ने जो लास्ट 5 ओडीआई मैचेस खेले हैं उसमें से 2 मैचेस जीते हैं, जबकि 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम ने जो लास्ट 5 ओडीआई मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मैचेस जीते हैं, जबकि सिर्फ 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर हम रीसेंट फॉर्म का कंपैरिजन करेंगे तो इस समय पाकिस्तान की फॉर्म नेपाल के मुकाबले काफी बेहतरीन नजर आ रही है। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों टीमों की परफॉर्मेंस का पिछले 10 मैचेस में। तो पाकिस्तान का जो विनिंग परसेंटेज है वो 70 है, जबकि नेपाल का विनिंग परसेंटेज पिछले 10 मैचेस में मात्र 40 है। एवरेज स्कोर के मामले में भी पाकिस्तान की टीम बेहतर है 273, जबकि नेपाल का 198 है। हाईएस्ट स्कोर के मामले में भी पाकिस्तान बेहतर है 337, जबकि नेपाल का 290 है। और लोएस्ट स्कोर के मामले में भी पाकिस्तान बेहतर है 182, जबकि नेपाल का 118 है। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें तो आप पाकिस्तान की तरफ से फकर जमान के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 523 रन बनाए हैं 58 के एवरेज और 93 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप कैप्टन बाबर आजम को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 472 रन बनाए हैं 47 के एवरेज और 81 के स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप इमामुल हक के साथ भी जा सकते हो, जो कि इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और इस मैदान पर इमामुल हक का रिकॉर्ड भी काफी बेहतरीन है। दूसरी तरफ आप नेपाल की तरफ से कुशल भुरतल के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 297 रन बनाए हैं 29 के एवरेज और 87 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप भीम शार्की को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 258 रन बनाए हैं 37 के एवरेज और 61 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले पाकिस्तान के बॉलर्स की बात कर लें तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि आप फैंटेसी 11 में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी बॉलर्स को ही इंक्लूड करें, क्योंकि इस मैच में आपको पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स ज्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। तो आप पाकिस्तान की तरफ से राइट आर्म फास्ट बॉलर हारिस राउफ के साथ जा सकते हो, जिन्होंने पिछले 8 मैचेस में 15 विकेट्स लिए हैं 5 की इकोनॉमी और 27 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 14 विकेट्स लिए हैं 5 की इकोनॉमी और 25 के स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप राइट आर्म लेग स्पिनर शादाब खान को इस फैंटेसी 11 में जरूर रखना, इनका रिकॉर्ड इस मैदान पर काफी शानदार है और इस पिच पर उन्होंने बहुत ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं। जबकि अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज ये मुकाबला खेलते हैं तो आप उनके साथ भी जा सकते हो, क्योंकि मोहम्मद नवाज का रिकॉर्ड भी इस मैदान पर बेहतरीन है। दूसरी तरफ नेपाल की तरफ से आप राइट आर्म लेग स्पिनर संदीप लामिछाने को फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 18 विकेट्स लिए हैं 5 की इकोनॉमी और 32 के स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप करण केसी को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो, जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। पिछले 9 मैचेस में 17 विकेट्स ले चुके हैं 5 की इकोनॉमी और 23 के स्ट्राइक रेट के साथ। अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर आप पाकिस्तान और नेपाल दोनों टीमों का कंपैरिजन करोगे तो इस समय दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की टीम है जो कि हर डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रांग है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल की टीम पहली बार एशिया कप में खेल रही है, जो कि उनके लिए काफी बड़ी बात है।
तो वहीं अगर आप स्किल वाइज भी कंपैरिजन करोगे तो पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी, हर जगह पर स्किल वाइज काफी ज्यादा आगे है नेपाल से, और पाकिस्तान की टीम के पास बहुत ज्यादा अनुभव भी है, तो वहीं नेपाल की टीम के पास उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और स्किल वाइज भी वो पाकिस्तान से काफी पीछे हैं, बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी। तो ऐसे में अगर नेपाल की टीम इस मैच में पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को थोड़ी बहुत चुनौती भी पेश कर पाती है तो वो उनके लिए काफी बड़ी बात होगी, क्योंकि नेपाल की टीम अभी लर्निंग स्टेज में है। ऐसे में दोस्तों एशिया कप 2023 के पहले मैच के लिए पाकिस्तान की टीम क्लियर फेवरेट्स नजर आ रही है, और इसलिए इस मैच की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो पाकिस्तान के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, और आपके हिसाब से कौन सी टीम एशिया कप 2023 का पहला मैच जीतेगी? क्या पाकिस्तान की टीम डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करेगी या फिर नेपाल की टीम इस मैच में सभी को सरप्राइज करेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।